बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में ख़्याल आ रहा था कि आप लोगों से बात करें कोरोना वायरस के सिलसिले में, और हमको लगता है अभी मौका मुनासिब है कि आपसे बात किया जाए। आप मेरी बात पर अमल करें नहीं करें, ये आप अपने दिमाग से सोच के करिए, अपने ज़मीर से की आवाज़ सुन करके करिए। लेकिन जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको मेहरबानी करके सुनिए। अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, और लोगों ने तबलीगी जमात के साथ जो वाकया हुआ था दिल्ली में निज़ामुद्दीन में, उसमें इन लोग ऐसा दिखा रहा है कि जो मुसलमान हैं वही लोग कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। ये बहुत ही बेमौका और घटिया और बेहुदा चीज़ मीडिया कर रही है, और तबलीगी जमात अच्छा है बुरा है उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। वो अपना अपना सबका बिलीफ है, अपना जो जाने जिसका अमल है वो अल्लाह जानता है और वो आदमी जानता है। लेकिन तबलीगी जमात में कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात मरकज़ में लोग छुपे हुए थे, और जगह जहाँ धर्मशाला है या मंदिर है या वैष्णो देवी है या और जगह, वहाँ लोग फंसे हुए थे या लेबरर सब फंसे हुए थे। तो आप समझ सकते हैं ना कि मुसलमानों को टारगेट करके मीडिया ज़बरदस्ती कर रही है उनके साथ, और सारे गैर मुस्लिमों को ऐसा कर रही है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाए। इस माहौल में आपको देखना है कि आपका जो अपना कॉन्डक्ट है, आपका जो अपना आचरण है, आप जो अपने जो आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, जो जैसा काम कर रहे हैं, उससे लोगों को लगे कि नहीं, मुसलमान भी हिंदुस्तानी सिटीज़न है, अच्छा सिटीज़न है, अच्छा नागरिक है, और मुसलमान भी हम लोग के ऐसा इंसान है। सबसे पहली बात ये है कि अभी भी जो जो एरियाज़ में, कंजेस्टेड एरियाज़ में मुसलमान लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे, माने दूरी या बंदी जो है उसका उसका पूरे तरह से कड़ाई नहीं, पालन नहीं कर रहे हैं। आपको ज़रूरी है कि आप बंदी का पालन कीजिए, यही एक तरीका है जिससे कोरोना वायरस का बढ़ना बंद होगा। सारी दुनिया में सारे लोग त्राहिमान हैं, सब कोई अपने अपने खुदा से, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि निजात दिलाइए, ये अल्लाह का अजाब हो रहा है सबके ऊपर, पूरे दुनिया पर। तो आप लोग को भी अपना देखना है कि अगर एक आदमी भी खुदा नखास्ता इन्फेक्टेड हो गया, किसी के बाहर गया, किसी से छू लिया किसी को, या कोई कहीं पर उसका छींक से आ गया उसका, और वो आया, तो वो न सिर्फ अपने ख़ानदान में बल्कि अपने आसपास सारे लोगों को वो बीमारी फैला देगा, और कितनी तबाही होगी ये इसका आप अंदाज़ नहीं कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग एक तो जब भी बाहर निकलिए मास्क पहन के निकलिए, आप सब अच्छे हों, बीमार हो नहीं हो उससे नहीं मतलब, आपको मास्क पहन के बाहर निकलना है। अगर निकलना है तब, बहुत ज़रूरी है तब मास्क पहन के निकलिए। दूसरी बात यह है कि बिला वजह आप बाहर निकल के और मटर गश्ती वगैरह एकदम बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, और एहतियात बरतिए। ये देखिए, अल्लाह ताला ने, हम पहले भी बोले थे सूरह बकरा में आयत 195 पढ़िएगा, उसका तर्जुमा यही है कि अल्लाह ताला कह रहा है आपको कि अपने हाथों अपनी बर्बादी का सबब नहीं बनो। अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने हाथों से अपनी बर्बादी का सबब मत बनो, अपने मौत का सबब नहीं बनो। तो ज़बरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं? परहेज़ करना है तो परहेज़ करिए ना। आप दुआ करना और दवा करना दोनों चीज़ करना होगा ना,
खाली आप दुआ करिएगा तो क्यों अल्लाह सुनेगा? आप अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो कहा है वो तो आप कर नहीं रहे हैं, आप ज़बरदस्ती जो है सो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो आप अपने बर्बादी का सबब खुद बनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप देखिए बुखारी में भी है मुस्लिम में भी है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जहाँ पर प्लेग है, जहाँ महामारी है, जहाँ पर इस तरह का है, तो वहाँ अगर हो तो तुम वहीं रहो, और अगर तुम बाहर से वहाँ जाना चाहे तो मत जाओ, तुम मत जाओ उस एरिया में, उस एरिया में मत जाओ, और जहाँ अगर वहाँ हो तो वहाँ वहीं रहो। तो अब क्या चाहिए आप लोग को? क्यों घूम रहे हैं बाहर ज़बरदस्ती? क्यों मास्क नहीं लगा रहे हैं? क्यों परहेज नहीं कर रहे हैं? अपने जान से तो हाथ धोने धोइएगा, दूसरे की जान से भी खेलिएगा, अपने ख़ानदान की, अपने रिश्तेदारों का, सबके जान से खेलिएगा। एक भाई बंद करिए, ये धंधा बंद करिए, अब आप हमको गाली दीजिए चाहे कुछ करिए, लेकिन ये धंधा बंद करिए, ठीक है ना? और दुआ करिए अल्लाह से, अपना हाइजीन मेंटेन करिए, और माने कि अल्लाह ताला इस अजाब से सबको बचाए। अल्लाह ताला सबका रब है, रब्बुल आलमीन है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे आलम का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं है, खाली मुसलमानों का रब तो नहीं। तो मेहरबानी करके एक तो ये जो बंदी है उसका आप लोग ठीक से ही करिए, आप लोग अल्लाह की हिफाजत में रहिए भाई, सब कोई सलामत रहे, अल्लाह से ये दुआ है। और लेकिन आपस में तफरका नहीं करिए, आपस में एक दूसरे की मदद करिए, और जो कहा जाता है उस पर अमल करिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।